चूल्हा गंदा से नमक नमक कर दिया। क्या अब ये एक्सपेक्ट करो तुम, ये गंद मचेगा यहाँ पे। ठीक है यार, छुरी इतनी गंदी है। हमारी छुरियां ही मारी ऐसी। नहीं, इनको तेज करना होता है। हस्बैंड भी पुराना होगा। वी नीड न्यू। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर रमदान व्लॉग। आज है डे टू और आज मैं प्रिटेंड करूंगा मैं अपनी बीवी की मदद करा रहा हूँ किचन में। मेरी हेल्प ये होगी कि मैं इसको ऑर्डर चलाऊंगा। ठीक है, मैं ऑर्डर चलाऊंगी आप। अच्छा, उल्टा बोल रहे हो। उल्टा? ओह माय गॉड, एक तो ये पाकिस्तानी बीवियों की फैंटेसी होती है, बीवियों की लड़कियों की। हम ना मर्दों को ऑर्डर चलाएंगे और देखो साइज देखो जरा। चलो तो तुम रिकॉर्ड करो ना। आओ, एक ही दिन हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, पहला और आखिरी दफा। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, क्या करना? पानी बॉईल करने के लिए डाल। भाई तुम हो हेड शेफ ना, मैं हूँ सू शेफ। पतीला कौन सा पानी? ये वाला तो नहीं यूज करती ना, यही वाला इस बॉईल करने के लिए। तो यही हार्मोन्स होते हैं इसमें। बताओ तो सही ना लोगों डिश क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये मैंने रेसिपी देखी थी बट ईट्स के इंस्टाग्राम के पेज पे। बट कढ़ाई वाला बंदा, आई थिंक सो ही इज फ्रॉम बट कढ़ाई। उसने डाली थी, ही जस्ट लाइक मेड अ देसी टाइप ऑफ कीमा एंड उसके अंदर वो पास्ता डाल देते हैं। तो इट्स अ देसी ट्विस्ट, देसी हेल्दी स्पगेटी बना रहे हैं। पॉइजन गर्ल सीन ये है, ये वही है ना प्रोटीन। तो ये मेरे पास है प्रोटीन स्पगेटी है। ठीक है पॉइजन गर्ल्स, अब इस वजह से आप देख सकते हैं पानी को हमने दे देना है उबाला। हाई पे कर दें। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। डालेंगे कितना डालना है? बस स्प्रिंकल। सारा चूल्हा गंदा से नमक नमक कर दिया। क्या अब ये एक्सपेक्ट करो तुम, ये गंद मचेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं हूँ क्रिएटिव आर्टिस्ट, मैं बहुत अच्छी चीज बनाता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, मैं गंद भी बहुत मचाता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स बिफोर वी कंटिन्यू दो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना। सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो, मैंने कहा बता दूं। खैर मूसा खाना भी खाना बना रहा है, तो ये भी आप फिर देखते जाओ। आज देखना कैसी डिश बनेगी। टू टोमेटोज, टू एंड हाफ, सो हाफ यहाँ पे पड़ा हुआ है चॉप पे। मैं चॉप चुप करने में बड़ा तेज हूँ, चीज है ना ये। मैं क्योंकि वली भाई की मदद कराता रहता था। ऐसे पंगा नहीं लेना तुमने, ये एक्सेस मेरे पास ज्यादा होती है। अच्छा कैसे काटने? यू जस्ट लाइक क्यूब। यार छुरी इतनी गंदी है। हमारी छुरियां ही मारी ऐसी। न्यू नहीं, इनको तेज करना होता है। हर चीज न्यू। हस्बैंड भी पुराना होगा। वी नीड न्यू। व्हाट इज द सेंस? सब समझ रहा हूँ मैं। आज वैसे भी फिजा ने रोला मचाया कि तुम तो दूसरी लड़कियों को पसंद करते हो। रमजान में भी बॉयज एंड गर्ल्स आपकी बीवियां नहीं छोड़ती हैं आपको। मैं हालांकि अपनी प्योरेस्ट फॉर्म पे आज कल लिव कर रहा हूँ। है? कौन सी लड़की की तरफ मैंने आ भी किया है? सारी अपनी जिंदगी मैंने आजकल अल्लाह को डिवोट की हुई है और तुम्हें। क्या हुआ? फनी जोक था। अच्छा नहीं, अब देखना था। अभी कीमा भी पक गया, उसमें भी टाइम लगेगा। और सुनाओ फिजा क्या हाल है? मेरा शौहर बहुत ज्यादा बेवफा है। तुम्हारे दिमाग में और कोई बात क्यों नहीं आती? व्हाट इज द सेंस? वही मैं खाने लगा था अभी टमाटर, मेरे दिमाग में एक बाइट ले लेता हूँ टमाटर की। भाई मैं बड़ा टमाटर शौक से खाता था बचपन में भूख लग रही होती थी ना तो ढेर सारे टमाटर काट के ना उसमें नमक डाल के खा जाता था, बड़ा मजा आता था यार। ऑलिव ऑयल यूज करें। ठीक है पानी डाला है, अभी हमने टमाटर काटे हैं। ठीक है अब ऑलिव ऑयल, देखो इतना सा ऑयल हमने यूज किया सारी डिश में। ठीक है प्रॉबेबली होगा 3 टेबलस्पून। फिजा ने ऐसे पकड़ा हुआ कैमरा और ट्राइपॉड, बंदूक पकड़ाई है हाथ में इसके। दिल तो तुम्हारा कर रहा होगा मेरे हाथ में बंदूक आ जाए। कमिन सीड्स डाल लें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही स्टेप की, लेकिन चलो इतनी समझ आती तो बीवी आज मैं होता शोहर फिजा होती। पकड़ के ऊपर से भाई जूस बन गया, पी लो। और ये तो चलाओ फिजा एंड मूसा का किचन, फिजा एंड मूसा किचन सीरीज शुरू कर देंगे ना। फिल्म मूसा से बातें करेगा, मैं पकाऊंगी। तो भाई ये बातें करना भी टैलेंट होता है भाई, इस बातों की वजह से तो मेरा चैनल चल रहा है। ओए ओए, बीफ की अच्छी बात है स्पेशली कीमे की, जल्दी पक जाता है। नहीं वो थोड़ा सा बाहर गिर गया, मुझे लगता है एंड में कुछ बचना ही नहीं है जितना मैं गिराई जा रहा हूँ। और बाय द वे बॉयज एंड गर्ल्स, हम चिकन पकोड़े भी साइड पे बना रहे हैं, तो ये फिजा ने उसके लिए मसाला लगाया था, यही है ना। ये है हेल्दी चिकन पकोड़े क्योंकि हम इसको एयर फ्राई कर रहे हैं। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, तो अब हम इसको डाल देंगे अंदर। और कितने में लगाने? 20 का लगा दिया हमने। आप देखो इतना नमक डालना हमने। ठीक है
कितनी डालनी है? थोड़ी सी और। अब हमने मिक्स कर लेना है इसे। यार ये तुम करना होगा। 7:35 पे हो गया इफ्तार। हमारे पास पूरे 21 और 5 26 मिनट रह गए हैं। ठीक है, वो दिनान से इतने अंगूठे के पास, वो भी जा रहा हूँ अंदर। Boys and girls, final dish. Oh my God, ये मैंने इतनी मेहनतों से बनाई है जैसे आप देख सकते हैं। बस अब हमने दही भल्ले छल्ले निकालेंगे और उसके बाद फिर हम इफ्तारी के लिए बैठते हैं। तो इफ्तारी के टाइम मिलते हैं आप लोगों से 15 मिनट्स लेटर। चुप चुप चुप, 35 हो ही जाने दो। ये फिजा हमेशा एक मिनट एक्स्ट्रा वेट कराती है। 35 लिखा है किधर? उसके ऊपर हो गया। दुआ करो। चलो बिस्मिल्लाह रहमान अल्लाहुम्म इन्नी अस्तौफिरुक। आज का रोजा बहुत ही लग रहा था बॉयज एंड गर्ल्स में, क्या बोलूं, बहुत ही टच हुआ। ओए होए होए, बड़ा मजे का रोजा है बॉयज एंड गर्ल्स। रोजा रखा है आप लोगों ने? लोगों ने देखने ही छोड़ देते, कह रहे हैं रोजा ही लगवाता रहता। चिकन पकौड़ा। ओए होए ओए होए, यार आज बहुत मजा आ रहा है खाना खाने का, पता नहीं क्यों। तुम क्यों नहीं खा रही? खजूर तो खा। अबे खजूर ही इसके मुंह में, मैं 10 चीजें खा गया, हद हो गई यार, खजूर ही चली जा रही है मुंह में। ये कल वाले दही भल्ले लेकिन बहुत मजे के दही भल्ले थे, बाजार ही बनाए थे। वो ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से लेंगे। ये हमने खा लिया, ठीक है। मैं नमाज पढ़ूंगा, तो उसके बाद मैं जल्दी से जिम से होकर आता हूँ, फिर हम अपना मेन कोर्स ट्राई करेंगे। और उसके बाद आज हमारा प्लान, हमने एक चाय की जगह पे जाना है, मेडिटेरेनियन चाय की जगह, तो आपको भी लेके चलेंगे। हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि मैं जिम से ये फिजा सेट करी क्यों कर लिया। हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स सीन है, जिम से वापस आ गया था, चार गेम ही लगाई हैं। ठीक है, थकान ज्यादा हो जाती है फॉर सम रीजन, और ना ज्यादा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली सारा दिन आप भूखे रहते हो तो बॉडी इतनी भी रिटेन नहीं हुई उसमें एनर्जी। तो अभी हमारे पास है कैफीन फ्री डाइट कोक, ठीक है, और फिजा की स्पगेटी जो हम दोनों ने साथ मिलकर बनाई है। लोगों को वाजे जाएंगी ना, रोजा लगेगा। ओए होए। बहुत मजे की बनी है बॉयज एंड गर्ल्स, फुल ऑफ प्रोटीन है, ठीक है ये, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था जैसे आपने देखा था, तो सुपर हेल्दी, थोड़ा सा पोर्शन खाएंगे हम, ठीक है। बहुत ही जूसी है, बहुत ही मजे की है, इसमें मटेरियल है ना वो काफी ज्यादा डला हुआ है, और साथ ठंडी ठंडी डाइट कोक आगे हिट करती है ना अंदर, उसका मजा ही अपना होता है। खाना शाना खा लिया था, अभी मैं मामू के साथ लाइव पे आया था इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे और मामू को फॉलो नहीं किया हुआ तो दोनों के इंस्टा लगाए हुए कर लो, और मैं इंस्टा पे और एक्टिव होने की कोशिश करूंगा, जस्ट दैट मैं यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ यार, क्या कर सकते हैं। तो एनीवेज अभी हम जा रहे हैं सेफानी पे चाय शाय पीने, अदनी टी, मेडिटेरेनियन जगह है। रमजान के दिनों की ये ब्यूटी होती है कि रोज ना लोग इफ्तारी के बाद चाय शाय पीने आते हैं यहाँ पे, तो वे ऑन आवर वे, आई विल सी यू देयर। ये सीन है, हम सेफानी पहुंच गए सामने, लेकिन इतना रश नहीं है यहाँ पे, मुझे लगता है सारे तरावियां पढ़ने गए होंगे। हम रश के लिए थोड़ी हैं, हम तो चाय पीने आए इनकी। यार मैं अपना पाइप ही ले आता स्मोक करने के लिए, ये देखो जरा। अस्तगफार। हेलो, हाउ आर यू डूइंग माय मैन? गुड। ठीक है, सब अदनी थी? यस। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने उनको कहा था तुम लोग यूट्यूब पे जा रहे हो तो मैं अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है, ये मुझे अदनी टी दी इन्होंने, ठीक है, और ये फिजा की मिस्ट ग्रीन टी, ओह माय गॉड, पूरा कंटेनर ही दे दिया तुम्हें। $9.5 पड़े, सो नॉट बैड। अदनी टी टेस्ट टेस्ट। ओह वाओ, बहुत अच्छी है कावा, उससे मैं बहुत अच्छी लग रही है। बॉयज एंड गर्ल्स 10 out of 10 अदनी टी, द बेस्ट वन आई हैड। वेरी गुड मैन। Yeah, I go to Arva, I go to like Kava House, but I like this the best for some reason. Yeah. Thank you so much. Irving में है सेफानी, जरूर जो जो देख रहा है आके ट्राई करें इनकी अदनी टी, अच्छी है ना? Sweet. Not too sweet, वही. Kava House की बहुत sweet है. Okay, नहीं मजा आया.
मजे की है यार, इट्स नॉट बैड, बहुत टेस्टी है, इट्स अ रिच फ्लेवर है इसका, आई गिव इट लाइक 8 आउट ऑफ 10 आराम से। अमेरिका के अंदर भी बहुत चाय के ढाबे खुल गए, आप बाहर भी बैठ सकते हो, यहाँ पे उन्होंने सारी सीटिंग अरेंजमेंट लगाई है, छोटा छोटा अगर बॉयज ने पीना है या हुक्का शुक्का आप लोगों ने करना अपना हुक्का खुद ला सकते हो। रमजान के सीन्स बहुत गुड होते हैं यहाँ पे। लेट है, अभी हम घर जाने वाले थे लेकिन फिजा ने कहा उसने खानी है क्वालिटी आइसक्रीम, ठीक है, तो यहाँ पे हम फलूदा खाने कुल्फी खानी है। पाकिस्तानी टाइप के केक भी पड़े हैं। इतना टाइम लग गया मैं आइसक्रीम लेते हुए, लेकिन इतने इंडियंस आए हैं, वो देखो जरा वहाँ पे आप चेक करो। वाह, बिल्कुल लाहौर वाला फ्लेवर है, चमन आइसक्रीम। वाह जी वाह, तो हमने चमन आइसक्रीम ढूंढ ली बॉयज एंड गर्ल्स, इक्वालिटी आइसक्रीम एंड जूस कॉर्नर है, ठीक है। बहुत यार लिटरली वाला फ्लेवर है, अंजीर का भी फ्लेवर है, गुलाबी कुल्फी वाला भी फ्लेवर है, इनके पास गुलाब जामुन का भी फ्लेवर है, कॉफी, हर जो फ्लेवर आप सोच सकते हो इनके पास पड़ा हुआ है कुल्फी के। उसमें ब्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यू बॉय मूसा खाना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। रमदान डे 2 इज ओवर, सक्सेसफुल रोजा, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कल मामू के घर दावत है तो ट्यून इन फॉर दैट टू, आई विल सी यू गाइस।